हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 1 मई 2019 है और आज बुधवार का दिन है। मार्केट क्लोज है लेबर डे की छुट्टी में। कल मार्केट खुलेगा, मार्केट देखते हैं किस साइड जाते हैं। चलिए, आज जो अपडेट लेके आया था वो यस बैंक पे लेके आया था। यस बैंक में देखेंगे तो तबाही फिर से मचा दी इसने। रिजल्ट खराब आया और ये एक रेंज में चल रहा था और 200 को भी तोड़ा। 200 को तोड़ते इसे टाइम नहीं लगाया और 168 पे भी पहुंच गया। लो 165 का माना और लो की और ही क्लोजिंग दिया है। हाई दो इसका जो था 213 का था, जहां से ओपन हुआ वहां से फिर नीचे ही गया ये। तो 213, इसको 200 तोड़ना नहीं चाहिए था बट तोड़ चुका है। तो ये अभी 140 और 125 की ओर जाते हुए भी दिखे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। और अब इसको 190 क्रॉस करने में बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है कि जब तक फर्दर रिजल्ट नहीं आए 3 मंथ्स का, आगे जाके 3 मंथ्स में क्या ये रिजल्ट देने, तब तक इसमें कोई बाइंग आना मुश्किल है। अगर कोई बायबैक या कोई ऐसा अच्छी न्यूज आ गई तो ही इसमें कुछ हो सकता है। अभी टाइमिंग 3 से 6 महीने के लिए। वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखें तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव ही दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए 173 की जगह 168, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको हर लेवल पे आपको 10% का एक्विजिशन करना चाहिए, आपको एवरेज करना चाहिए। इस लेवल पे भी एवरेज करे तो कोई सरप्राइज नहीं। अगर खुलता है कल मार्केट और ये गिरता है तो वहाँ पे भी एवरेज करना चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म के अगर इन्वेस्टर है तो एटलीस्ट आपको यहाँ से, अब 9 मंथ तक तो इसके परफॉर्मेंस में कुछ होने वाला है नहीं, तो आपको कम से कम 1.5 साल से 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा और अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। एटलीस्ट 275 तक तो आराम से जा सकता है। 68% का यहाँ पे आपको सेंटीमेंट है, बाइंग सेंटीमेंट है। इतना फॉल होने का एक रीजन था, इसने यहाँ पे यस बैंक्स बैलेंस शीट क्लीन अप टू स्ट्रेन प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट 12 to 8 मंथ्स। मूडीज ने ऐसा 12 से 18 मंथ्स लग सकता है इसके बैलेंस शीट को क्लीन अप और स्ट्रेन और प्रॉफिटेबिलिटी आने में, क्योंकि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ऑन अप्रैल 26 द बैंक रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर क्वार्टरली लॉस सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2004 एट 15,600 करोड़ का। तो यहाँ पे लॉस डिक्लेयर किया गया है जनवरी रिजल्ट में आपको, और आपको एक बार यहाँ दिखाने की कोशिश भी करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखाएंगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्च 19 में 2870 करोड़ का इसने यहाँ पे लॉस रिपोर्ट किया है और प्रॉफिट रिपोर्ट से 2338 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 1507 करोड़ का लॉस डिक्लेयर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है सरप्राइज रूप से 2100 से 5,376 करोड़ को बढ़ गया, 5,376 करोड़ पे आ गया है, क्योंकि प्रोविजन वगैरह इन्होंने किए हैं तो इसके कारण यहाँ से आप देखेंगे लॉस सरप्राइज रूप से बढ़ गया है। और ऐसा कोई खास नहीं है, अभी भी सेल्स ग्रोथ अच्छा है 20% से, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है, प्लीज शेयर 3.64 रखा हुआ, प्रोमोटर होल्डिंग 19.87 है, एंटरप्राइज वैल्यू 2,79,813 है जो कि कहीं ही इसके मार्केट कैप 38,916 से, इसकी बुक वैल्यू 111 है। तो आप 111 पे एटलीस्ट इसकी 1.51 में प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 59 है, 1.12 थोड़ा सा ये एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा एक कंसर्न है और प्रमोटर होल्डिंग 19.80 ये भी एक कंसर्न है, लेकिन कोई बात नहीं आगे जाकर के ये कंसर्न खत्म होते दिखेगा। प्रमोटर होल्डिंग देखें, आप FI देखें तो यहाँ पे 36% से 40% FI बढ़ रहा है और इंश्योरेंस कंपनी अपनी क्वेश्चन भी हाई कर रही है। प्लीज में एक जो देखेंगे, प्लीज में एक खाली कंसर्न है, प्लीज देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 3.64% से बढ़ा दिया गया प्रमोटर होल्डिंग, तो ये एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखें तो जहाँ पे आप देखेंगे मार्च 18 में 20% था प्रमोटर होल्डिंग, वहाँ 19.80 हुआ और जहाँ मार्च 18 में प्लीज 3.62 था वहाँ पे 3.64 हो गया। FI होल्डिंग 42% से यहाँ पे आप कहीं देखेंगे गिर रहा था, 36% हुआ था और अब यहाँ से सरप्राइज 40% की ओर जा रहा है मार्च 19 में। तो दिसंबर 18 में 36 था, अभी मार्च 19 में जो फॉल हुआ था यहाँ पे FI ने बाइंग करके 40% कर लिया। लेकिन अब क्या कंसर्न है, अब इसमें कंसर्न है जिस तरह से अभी मार्केट गिरा है और आप देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम हो रहा था 1,63,68,000 या 3 करोड़ 21,72,19,000 से किसी ने सेल कर दिया अपनी वॉल्यूम को, ट्रेड किए और 7,24,00,000 से डिलीवरी बेस सेलिंग ली है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने वाला है चाहे जिस और भी जाएगा, और ये 7 करोड़ की डिलीवरी आपको सेल प्राइस बेस्ड होगी तो
और ये टूटने को भी तैयार है, हो सकता है। और ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज येस बैंक में अभी आजकल में तो आने से रहा, क्योंकि ये मोदी ने 12 से 18 महीने का टाइम लिया है, तो 12 से 18 महीना नहीं, एटलीस्ट आप 6 महीना भी बोलें तो लगेगा जरूर इसको। हाँ, लेकिन ये अच्छा स्क्रिप्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। अगर ये आपको 185 प्लस दिखे शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी एक बार इसको वेट कीजिए, या 140 पे चाहे तो आप इसको एक्विजिशन कीजिए कुछ शेयर, और 140 के बाद 125 की ओर जाता है तो वहाँ पे भी एक्विजिशन कर सकते हैं, बट वो रिस्की ट्रेडर के लिए नहीं। तो अगर आप जिस स्टेज पे आप खड़े रहिए, लॉस मेकिंग शेयर में जरूरी नहीं है एवरेज करना, आना होगा तो आपके रेट पे आ जाएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ से टर्न अराउंड न्यूज सब चीज़ अच्छे आने लगे, तो ऊपर रेट पे भी अगर आप एवरेज करते हैं तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर 200 प्लस जाता है तब एवरेज करते तो भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं, या तो 125 पे एवरेज करेंगे। दो ऑप्शन है मेरे पास, आइदर वन मैं लोअर पे एवरेज करूँ, अगर मेरा रेट नहीं आता है तो 200 प्लस जब जाएगा तब एवरेज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक गैप है। अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो ये गैप यहाँ पे बना लिया है 202 पे। अब इस गैप को अगर कवर करता है, इतना स्ट्रेंथ आ जाता है तो हम ले लेंगे। और आप देखेंगे तो ये अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो 180 जरूर आप ध्यान रखें, 180 के पास से यहाँ से फॉल चालू किया है, तो अगर कोई एक बार वापस 180 क्रॉस करता है, या यू कहे आपका आवरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो आवरली बेसिस पे ये इसका डेमा जो आता है 184 का नाइन कैंडल का डेमा आता है, तो अगर 9 कैंडल का डेमा 1.04 आता है, तो अगर 181 क्रॉस करते दिखे शॉर्ट टर्म में, तो आप चाहें तो इसमें बाइंग पोजीशन रहें तो कोई बड़ा बात नहीं है, अच्छा है। डेली बेसिस में एक चीज़ दिखाना जरूरी है आपको, आप ये कैंडल देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए 21,72,00,000, और इस कैंडल को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या हुआ होगा। और यहाँ सारे मूविंग एवरेज जो देखेंगे आपके क्लोज होते हुए टूटते हुए निकल रहे हैं, आराम से टूट रहे हैं, कोई बिना बेदर्दी से टूट रहे हैं, टूट के निकलते जा रहे हैं, तो टूट जाने दीजिए कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर जो लॉन्ग टर्म के 263 के बाद भी चाहें तो देख सकते हैं, या 244 इसका 21 दिन का टेमा भी बता रहा है, यहाँ के बाद देख सकते हैं जैसा आपको लगे। ये एक बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया बट 263 क्रॉस नहीं किया, वहाँ से नीचे फॉल कर गया। और मेरे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला था बीरिश सीम तो दिख रहा है, इतना ज़्यादा बीरिश नहीं था, मुझे लगा था कि 210-200 तक जा सकता है, लेकिन वहाँ जरूर इसने सपोर्ट ले लेगा। लेकिन जब इसने ओपन 213 किया और वहाँ से धीरे धीरे सगले आप देखेंगे आवरली आवर पर देखेंगे तो धीरे धीरे ये पहले यहाँ से गिरा यहाँ पे आया 180, फिर यहाँ से ओपन होकर के धीरे धीरे फिर नीचे की ओर जो जा रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे एक बार देखेंगे तो एक बार 167 का लो तो जरूर लगाया था बट 179 पे जाके खड़ा हो गया था, तो ये एक अच्छा चीज़ था। अब अगर येस बैंक को किसी भी तरह से देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बता ही दिया। आप इनफैक्ट देखेंगे 205 का कैंडल आवरली बेसिस पे देखेंगे तो 231 का जो मूविंग एवरेज है इसको 5 मिनट के चार्ट पे वो भी 205 बता रहा है, तो कहीं ना कहीं 180-205 के बाद ये अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है, बट अभी नहीं दिखता है, हो सकता है इसमें वापस फॉल आए। 140-145 पे इसको सपोर्ट है, वहाँ लेता है तो ठीक है, नहीं लेता तो 125 भी आएगा। और इसमें जो भी पैटर्न दिख रहा है और जैसे डिलीवरी परसेंटेज दिख रहा है, अगर ये 7 करोड़ से जो जाके डिलीवरी हुई है 7,24,00,000 से, और प्राइस एक्शन जो फॉल दिख रहा है, वॉल्यूम वेटेड है 173 की जगह 168 दिख रहा है, तो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आएगी इसमें और फर्दर सेलिंग इसमें कंटिन्यू होगी, हो सकता है 125 की ओर जाए तो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। येस बैंक में अगर इधर भी देखें, पुट की ओर देखें, डेरिवेटिव में देखें, येस बैंक में 166.30 में की क्लोजिंग है अप्रैल का देखेंगे तो आपको 130 पे अगर देखेंगे तो लास्ट ट्रेड पे 3.95 पैसे है, पुट की ओर अच्छा खासा एक्युमुलेशन हो रहा है। हर लेवल पे देखेंगे तो बाइंग हो रही 22,19,22,14,18,00,000, मतलब ये 130 की ओर जाने के लिए तैयार है। और सबसे सरप्राइज बात है 170 पे ही देखेंगे तो 126,00,000 से शॉर्ट किया जा रहा है सेम डे, उसी दिन हुआ है, और 180 पे देखेंगे तो 45,00,000 से शॉर्टिंग की गई है, मतलब सेम डे इसमें पोजीशन शॉर्ट की बनाई गई है। और ऐसा वैसा नहीं 46,66,00,000 का तो 170 पे ही बना है, मैं 170 भी अभी नहीं तोड़ने को तैयार है, 166 पे खड़ा है, तो ये नीचे जाने के लिए तैयार है। 130 की ओर लगता है जाएगा, ऐसा दिखता है, हो सकता है थोड़ा वेट करें, और अभी कोई अड़बड़ी नहीं है। मोदी ने आपको क्या बोला, इसको 12 से 18 महीने लगेगा, अगर 12 मैं नहीं मानता, अगर इसका आधा भी कर दे तो 9 महीना लगेगा, तो 8 से 9 महीना जरूर लगेगा इसको अभी अपट्रेंड आने में। तो अभी हड़बड़ी नहीं, ऐसा नहीं कि ये जा करके जम करके अभी 265 क्रॉस कर जाएगा, 205 ही क्रॉस करने में अभी इसको दम लगेगा,
तो चाहें तो आप इसमें होल्ड की पोजीशन बना सकते हैं, आप बेच तो सकते नहीं, ऐसे भी अगर ऊपर पे लिए हैं होल्ड कीजिए, एवरेज मत कीजिए, आपका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। इसको अगर 125 140 मिलता है तो आपको वहाँ पे देखना चाहिए, वहाँ पे आप एवरेज सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी उस समय उस पोजीशन पे क्या न्यूज आता है, क्या वॉल्यूम आता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर ऐसी वॉल्यूम के साथ वापस वहाँ टूटे तो शायद डबल डिजिट में भी चला जाए, लेकिन उस समय अगर और मालूम चला कि और उसमें 800 करोड़ का प्रोविजन होने वाला, 9000 करोड़ का होने वाला, अभी 3000 का हुआ है, और ज़्यादा करोड़ का प्रोविजन होगा, पता नहीं क्या आ सकता है। तो अभी इसमें कोई बाइंग आपका पैसा फंसेगा, मान लीजिए आपने इसमें 10000 भी जाके एवरेज किया और फंसाया तो आपका पैसा तो ब्लॉक हो गया, उससे अच्छा है जो प्रॉफिट में दे रहा है उसमें क्यों नहीं हम जा करके बाय कर लें, तब जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर में बाय कर लेंगे। तो अभी इसमें एवरेज करना सही शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपके पास पैसा है तो 140 के आसपास आप चाहें तो इसमें एवरेज करें, कर सकते हैं। ये मेरा कोई भी व्यू या ओपिनियन नहीं है बाइंग और सेलिंग का, आपको कोई बाय सेल करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।